फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए आपका नॉट इक्वल टू जीरो है और ए बी सी आपका रेशनल नंबर है. इफ़ वन ऑफ द रूट, एक रूट आपके पास गिवन है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें ज्ञात करनी है. ओके, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है. अब मेरे को एक बात बता दीजिएगा. हाँ जी, नोटिफिकेशन आ गया है, क्लास आपके जो आपकी घंटियाँ बजी हैं ऐसे ही बजी है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ओके ओके, चलो देखते हैं. हाँ जी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास, एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास गिवन है. जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो. इसमें एक रूट आपके पास गिवन है. रूट को मैं ठीक तरीके से लिखूंगा, मैं लिखूंगा माइनस वन प्लस टू आयोटा. इस फॉर्मेट में क्यों लिखा है? क्योंकि रूट आपका कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कॉम्प्लेक्स रूट होता है वो कॉन्जुगेट फेयर में होता है. इरेशनल रूट और कॉन्जुगेट रूट आपका क्या होता है? पेयरिंग में होता है, कॉन्जुगेट पेयरिंग में होता है. आपकी क्लास में हमने सब कुछ करवा दिया है. 13 वाले बच्चे मुझे जवाब देंगे, बच्चे समझ में आए हैं आपके, 11th वाले बच्चे और 12th वाले बच्चे भी साथ साथ जवाब देते रहेंगे. अच्छा, इसका आप मेरे को इतना बता दीजिएगा कि इसका कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा. इसका जो दूसरा रूट है कॉन्जुगेट, ये आप मान सकते हैं कि रूट इसका अल्फा है, कोई दिक्कत नहीं है. माना है हमने एक रूट अल्फा है तो बीटा भी इसका कॉन्जुगेट बनेगा यहाँ, और बीटा कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसको थोड़ा सा सिंपली किया है, सिंप्लीफाई किया है, मतलब मैथमेटिकल तरीके से हमने लिखा है. कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी के फॉर्मेट में होता है, तो हमने उस फॉर्मेट में इसको डिफाइन किया है. तो ये हो जाएगा आपका माइनस वन माइनस का टू आयोटा. दोनों रूट हमें मिला है, तो इन दोनों रूट से जो इक्वेशन बनती है वो किस तरीके से बनती है? अच्छा, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरी होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल्स टू जीरो. हमें इस चीज़ की ज़रूरी होती है. अगर इस चीज़ की ज़रूरी होती है तो भाई हमें सम ऑफ रूट निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा. यहाँ देखते हैं हम सम ऑफ रूट क्या होता है. हमारा सम ऑफ रूट क्या होता है? सम ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा करते ये कट जाएगा, माइनस का टू हो जाएगा. सम ऑफ रूट आपका माइनस का टू आ गए हैं. अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं. ओके ओके, सारे बच्चों को क्लियर है? प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट तो वो क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की बात करते हैं तो हम करते हैं माइनस वन प्लस टू आयोटा, और माइनस वन माइनस टू आयोटा. अच्छा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो यहाँ बन रहा है माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू आयोटा का होल स्क्वायर. और यहाँ हम देखेंगे तो हमें नज़र आएगा, ध्यान से सुनिएगा, हमें नज़र आएगा वन माइनस फोर आयोटा स्क्वायर. मैं लिख देता हूँ यहाँ आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आपका माइनस वन होता है, तो हमें नज़र आएगा वन प्लस फोर इक्वल्स टू फाइव. अच्छा, सम ऑफ रूट हमें मिला है और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें मिला है. ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है आपका, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट तो ये मिल गया है और सम ऑफ रूट ये मिल गया है. प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या मिला है और सम ऑफ रूट क्या मिला है. तो यहाँ हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमसे पूछी गई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमसे जो पूछी गई थी वो क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम वैल्यू रखते हैं, और वैल्यू रखते हैं तो क्या बनेगा? क्लियर है सारे बच्चों को? ओके, वैल्यू रखेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का टू एक्स प्लस का फाइव इक्वल्स टू जीरो. तो आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स प्लस का फाइव इक्वल्स टू जीरो. हाँ जी, ये आपका आंसर बन गया है.